धरती पर स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर में एक ऐसा गांव है जहां हर साल लाखों की तादाद में पर्यटक आते हैं, और इस गांव को चरवाहों का गांव भी कहा जाता है, जिसे जानकर मेरे पेट में चूहे घर घर खेलने लगते हैं, क्योंकि कहीं चरने की बात हो और मैं वहां ना पहुंचूं तो मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस होता है। तो इसी अजीबियत को दूर करने के लिए मैं निकल पड़ती हूं अपने जहाज में, जिससे मुझे लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बाहर फेंक दिया जाता है। तो मैं लगभग 2 घंटे के संघर्ष के बाद पहुंच जाती हूं चरवाहों के गांव में। हालांकि मुझे निराशा इस चीज की थी कि कोई भी मुझे चरवाने का ऑफर नहीं कर रहा था, तो अब मेरे पास नदी के पास जाकर रोने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा था। लेकिन मुझे तभी पता चलता है कि इस जगह का असली नाम पहलगाम है। ये जानकर मुझे चारों ओर बर्फ से लबालब पहाड़ दिखने लगते हैं। मुझे ऐसा लगने लगता है कि मानो मैं बहुत खूबसूरत किसी घाटी में आ गई हूँ। मुझे चारों ओर स्वर्ग स्वर्ग जैसा महसूस होने लगता है। तभी मुझे एक और बात पता चलती है कि ये स्वर्ग नहीं, स्वर्ग का रास्ता है, क्योंकि यहीं से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। पर मुझे तो बस एक ही चीज की चिंता हो रही थी कि चरने का प्रबंध कौन करेगा।